दिस इज़ द मेन गेट ऑफ द शौकत खानम। ठीक है, ये देखिए भाई बाहर से मैं थोड़ा सा आपको देख। तो जनाब मेरा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस हो गया, अभी चलते हूँ। मुझे इधर इस तरह फील नहीं हो रहा कि भाई गर्मी है, अच्छा भी नहीं यार। वो रोड पे बड़ा गाड़ियाँ जा रही है और रोड बहुत ज़्यादा तंग है, इस वजह से मैंने कहा तो भाई गैस का दफ्तर लग रहा है, अभी चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक फिट फाट इनको जिस तरह कि आज भाई मैंने जाना है हयातबाद फेज फाइव, तो हैज फाइव, तो आज मैं आपको हयातबाद फेज फाइव में मिलूँगा भाई। तो मेरा क्या काम है, तो कुछ काम है और मैं भी आप हयातबाद फेज फाइव की व्यू भी शेयर करने वाला हूँ, थोड़ा जोर से डिटेल भी देने वाला हूँ। वहाँ पर मुझे एक ऑफिस में अर्जेंटली काम है, तो जाना नहीं है भाई। जनाब ये आ गया पराठा हो गई चाय, और आपका भाई भाई ज़्यादा कुछ नहीं करता जो है ना ब्रेकफास्ट में, वो पाइयो और पहनो। और मिस्टर सीन्स को जिस तरह के नाश्ता हमने कर लिया भाई, और अभी हम जाएंगे पीआरटी के स्टॉप पे, और मौसम आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अच्छा कि मौसम ये अगर इस तरह का मौसम होना तो बंदे का दिल जो है ना भाई भाई किधर होता है, आसमान पर, क्योंकि मौसम अच्छा है ना इसीलिए। और जनाब वेदर इज़ गुड, लेकिन पसीना फिर भी आ रहा है, तो इसी के साथ चलना पड़ता है भाई, क्या करें। अच्छा तो जनाब मेरे साथ हुआ क्या है, पीछे जो बस जा रही है ना, तो मैं इसमें बैठ गया था और मुझे जाना था भाई FS5। ये सम टाइम मालूम हो जाता बाद में ये बस रुकती थी, लेकिन इस दफ़ा नहीं रुकी, तो मैं काफ़ी बाद आया हूँ। पहला था तुम कुछ हुए थे ना, कुछ हुए था तो पीढ़ी था देखा पीढ़ी, तो एक दूसरा था जो कि बस में बैठ चुका था, तो उसे भी जाना था PDA पासपोर्ट ऑफिस, लेकिन ये मसला आ गया। अभी मैं जाऊंगा उधर BRT के स्टॉप पे, तो उधर से मैं फिर बैग जाऊंगा। अभी मुझे पता नहीं है ये रास्ता गया, लेकिन ये रास्ता तो गया हुआ है, लेकिन BRT का मुझे पता नहीं कि BRT यहाँ से गई हुई है नहीं, तो अभी रोड क्रॉस करते हैं। चलो इसी में खैर हो गया, तो अभी हम आ गए हैं थोड़ा सा आगे साइड पर, और वो सामने स्टॉप है, तो स्टॉप लेंगे देन वापस को बैक। तो जनाब मैं आ गए हॉस्पिटल को जो कि फेस फाइव में, ठीक है, तो अभी जाएंगे ऊपर और ढूंढेंगे वो ऑफिस। इधर से भाई व्यू चेक करें फेस फाइव, ये सारा फेस फाइव है भाई, ये BRT रूट है, और ये इधर भाई आम लोकल। तो भाई चलते हैं नीचे, इधर से भाई ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ये, तो अभी नीचे चलते हैं और फेस फाइव तो अभी बड़ा है, देखते हैं ऑफिस कहाँ पर है। सबसे पहले तो मैं ये काम करता हूँ कि गूगल बाबा से पूछता हूँ, गूगल बाबा ने मुझे सही नहीं बताया, तो फिर लोकल जो बंदे थे इनसे पूछेंगे। ऑफिस में मेरा एक बंदे से काम था जिसके लिए मैं आया था, और बस का मसला इसलिए बन गया, शायद मैं दूसरे बस में बैठ गए, मैंने देखा नहीं, लेकिन खैर होगी। तो अभी चलते हैं इस साइड पे और मैं गूगल बाबा को सर्च करता हूँ कि गूगल बाबा ने कौन सी लोकेशन बताते हैं। किस्मत मेरी अच्छी थी, जैसे मैंने गूगल मैप ऑन किया तो मुझे बिल्कुल लोकेशन बिल्कुल सामने ही पड़ी हुई है। रोड पर शौकत खानम हॉस्पिटल भी है, और इससे अगले रोड पर जो है ना पासपोर्ट का दफ्तर, और इसी रोड से आगे जाएंगे ना तो आपको पासपोर्ट का दफ्तर मिलेगा, और ये सामने जो है ना शौकत खानम हॉस्पिटल है, ठीक है, जो कि इमरान खान ने बनाया हुआ है पेशावर में। ये भाई ये हॉस्पिटल जो आप उतर जाए तो आप किधर भी आ सकते हैं, कमलेट तक भी आप जा सकते हैं, और जो है ना ऑफिस का ये लोकेशन तो सीधी दी हुई है, अभी इसी लोकेशन पे जाएंगे। मुझे लगता है कि उस रोड पे चले नहीं, इस पर ज़्यादा तो इस पर चलते हैं। सही कह रहे हैं, गर्मी की वजह से लग रहा है भैया। शौकत खानम हॉस्पिटल का, ठीक है, जैसे आप उधर से आएंगे BRT के स्टॉप पे, तो पहले ही आपको ये चौक मिलेगा इस साइड पे, आप आओ चाहिए तीन सौ। हाँ दूसरी बात ये टेक्निकल बोर्ड भी इसी रोड पर है, उस साइड पे जाएंगे चौक पे ऐसा गए हुआ है, ठीक है, उस साथ पे आप जाएंगे आपको टेक्निकल बोर्ड मिल जाए, नादरा दफ्तर वो सामने आपको इधर से नज़र आ गई, वो नादरा लिखा हुआ है EB E0B1। सही है, तो भाई अभी चलते हैं आगे। दिस इज़ द मेन गेट ऑफ द शौकत खानम। ठीक है, ये देखिए भाई बाहर से मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ शौकत खानम, और अभी हम चलते हैं आगे। अल्लाह सबको हॉस्पिटल से बचाए, लेकिन शौकत खानम हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा हॉस्पिटल है भाई, लोग कहते हैं कि ये और वो है, तो क्या कहें, अभी लोगों को कुछ
कह नहीं सकते कि भाई उनको नज़र नहीं आता कि भाई बंदे ने काम किए हुए, लेकिन लोग ऑलवेज नेगेटिविटी ही निकालते हैं कि भाई इसने ये काम गलत किया, ये नहीं देखते कि ये काम इसने सही किए हुआ है। तो अभी मैं तो उस लोकेशन पे आ गया हूँ, देखता हूँ कि अभी आगे कहाँ पे जाना है। सही है, तो ये तो ठीक है। अच्छा, तो जो वीडियो में मैंने आपको नादरा का जो बी ब्लॉक बताया था ना, वो मतलब वो नहीं था, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि शायद लोकेशन इन लोगों ने चेंज की है, क्या बात है, तो वो नहीं था। अभी इधर दो बंदे पूछ रहे, तो मुझे याद आया कि वो जो है ना इस साइड पर है, इस साइड पर रास्ता गए उस डीआरटी के स्टॉप पे। पर मैप इज टेलिंग मी भाई आपने और रास्ता कवर कर रहे हैं, तो अभी मैं और रास्ता कवर करूँगा और आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, इधर सारे हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल हैं, अल्लाह बचाए सबको। हॉस्पिटल की लाइफ इज़ टू बैड, आई डोंट लाइक। अल्लाह हर किसी को बचाए हॉस्पिटल की लाइफ से। प्राइवेट हॉस्पिटल, मैं इस साइड पे फर्स्ट टाइम आया हूँ इस साइड पे, क्योंकि जब काम पड़ जाए तो फिर बंदे को आना पड़ता है। अभी ये पता नहीं क्या चीज़ है, हॉस्पिटल है ये भी है नहीं, शायद हॉस्पिटल हो, इतना बड़ा नहीं, कोई बोर्ड वगैरह लग रहा है। वो गर्मी भाई, RMI एक साइड पर भी और एक साइड पर भी है, दोनों साइडों पर है। जनाब चेक करें, गर्मी से मेरा बुरा हाल है, इतने पसीने आए हुए हैं कि क्या बताऊँ। और धूप बिल्कुल, इधर धूप ही धूप है, कोई वही छांव वगैरह नज़र नहीं आ रही शेड़ों के, बंदा भाई नीचे खड़ा हो जाए और ये है कि ये। लेकिन अभी काम ख़त्म करना है भाई, काम ख़त्म करके फिर बंदा रेस्ट भी करे तो खैर कोई बात नहीं। अब आज मेरे नसीब में घूमना लिखा हुआ है, शुक्र है, इस पर भी मैंने दो तीन एरियाज दो तीन दफातर इस तरह देख लिया, जो मुझे पता नहीं तो लोगों ने मुझसे पूछा था, तो अभी ये मुझे पता होगा, ये एक मेरे लिए अच्छी बात हो गई। और बात ये है, इस साइड पर मैं आया नहीं था, ये भी मेरे लिए एक अच्छी बात हो गई, न्यू एक्सपीरियंस, नया रास्ता, क्योंकि इस साइड पे मैं बहुत ज़्यादा कम आता हूँ। मैं क्या, बस ज़्यादातर लोग ही कम आते हैं जिनका काम ना हो, तो वैसे अभी मेरा काम था तो मैं आ गया। ये हमारा सामने ऑफिस, मैंने जाना है अभी इधर और देखते हैं क्या होता है। तो मैं आ गया हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं पानी पी लेता हूँ भाई, मैंने रास्ता बहुत ज़्यादा कवर कर लिया और मैं बहुत ज़्यादा भाई, ये क्या सीन है यार, एक हाथ से ब्लॉगिंग में एक हाथ से पानी डालना और ये इतने टाइट, ओहो कैमरा बंद करना पड़ेगा भाई। गैस का दफ्तर लग रहा है, अभी चलते हैं अंदर, अंदर चलते हैं। अंदर आते ही ये एसी लगा हुआ है, दिल खुश हो रहा है यार कसम से। जैसे ही अंदर आए वो सारा एसी का सिस्टम किया हुआ है, बिल्कुल ठंडा। कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ ऊपर, ऊपर पूछो कि भाई किधर है वो बंदा, तो भी हम आ गए एडमिनिस्ट्रेशन। बोल रहे कि भाई फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, फोर्थ फ्लोर पे जाओ, फोर्थ पे जाएंगे। ये भी कौन सा हो गया है, दूसरा हो गया है, फोर्थ फ्लोर, आई थिंक दिस इज द लास्ट फ्लोर ऑफ दिस डिपार्टमेंट। तो जनाब मेरा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस हो गया, अभी चलते हैं। मुझे इधर इस तरह फील नहीं हो रहा कि भाई गर्मी है, तो ये भाई गैस ऑफिस है मुझे लग रहा है। चलते हैं भाई नीचे, काफ़ी अच्छा बनाया, प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त ऑफिस। चलते हैं अभी फिर से नीचे। ठीक है, तो यू कैन ऑपरेट एंड लीव इट अलोन, समझ सेफ्टी के लिए। नीचे भाई जाते हैं वापस, बाहर निकलते हैं। दिस इज़ द मेन गेट ऑफ, इधर आई डी कार्ड छोड़ा हुआ था, अभी आई डी कार्ड वहाँ से लेंगे। तो अच्छा ऑफिस है ना। तो भाई जनाब वो उस बंदे सर से मैं मिल गया था और काम मेरा हो गया, शुक्र है भाई। आपका भाई बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो ये। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, तो भी मैं आया था किसी इंटरव्यू के लिए, ठीक है, जॉब थी लेकिन रिजेक्टेड। क्यों भाई, मैंने कहा भाई मैं स्टडी कर रहा हूँ, फिर देखेंगे इसके साथ भाई। तो उसे मैंने कहा मेरे फ्रेंड ने, मैं उसे हायर करता हूँ आपके लिए, तो वो आ जाएगा तो इंशाल्लाह, और शायद कि वो इधर लग जाए और करे रहो। लेकिन जॉब भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है आजकल, ज़्यादातर जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, और था ये गवर्नमेंट सेक्टर। सही है, रोड क्रॉस करते हैं भाई, रोड क्रॉस करते टाइम मोबाइल को इस तरह घुमाया चाहिए वरना
आप कैमरे की तरफ देखेंगे और आगे से भाई कोई ना कोई आया होगा। इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है लेकिन पार्क कार पार्किंग पता नहीं इन लोगों की है भी या नहीं, सब गाड़ियां बाहर ही पड़ी हैं। तो जनाब इधर से भी मैं चलूंगा कारखानों मार्केट में, ये कह रहा था कि रास्ता भी नहीं यार, वो रोड पे बड़ा गाड़ियां जा रही है, रोड बहुत ज़्यादा तंग है, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा साइड साइड पर जाते हैं। तभी मैं कारखानों मार्केट जाऊँगा और डायरेक्ट अपने स्टॉप पर उतर जाऊँगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि मैं डायरेक्ट उतर गई उस साइड से, तो भाई मैं आते वक्त कहीं और चला गया था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेट किया है यार, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया मुझे, लेकिन फिर किया और इंशाल्लाह सबर करके हम सीधा अपने घर जाएंगे। सही है, तो मिलते हैं बीआरटीसी। अच्छा तो जनाब ये वीडियो मेरी यहाँ तक थी, ठीक है इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नए ब्लॉग में भाई। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, अभी मैं जाऊँगा इस साइड पर लास्ट स्टॉप लूँगा और देखें वो। तो जनाब आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया ये फाइव का ये थोड़ा सा टूर, आपको अच्छा लगो, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।